लबनान में हिजबुल्ला के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमला। आज साइबर हमले में बच्ची समेत 9 अफराद शहीद। हिजबुल्ला के अहलकारों समेत 2750 लबनानी जख्मी हो गए। लबनान के वजीर सेहत फराज अबियाद ने कहा है कि दर्जनों अहलकारों के पास मौजूद फोन सेट फट गए। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के ईरानी सफीर मुजतबा अवानी भी शामिल। बैरूत के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। शहरियों से खून के एहतियात की अपील कर दी। शहदा की तादाद में इजाफे का खदशा। पीटीआई की अफगानिस्तान से दोस्ती की बातें। अफगान काउंसलर जनरल पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़े तक न हुए। अफगान काउंसलेट के अहदेदारों की बद तहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक अफगान अहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। मोहिबुल्ला शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। सिफारती माहरीन ने दफ्तर खारिजा से मुतालबा किया है कि अफगान काउंसलर जनरल मोहिबुल्ला शाकिर को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। साबिक सफीर अब्दुल बासित बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि दुनिया भर में कौमी तराने पर खड़े होना एक प्रोटोकॉल है। अफगान काउंसलर जनरल मोहिबुल्ला शाकिर की हरकत काबिले मज़म्मत है। ना किसी भी मुल्क का बचता है तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि सबको खड़े हो जाना चाहिए। डिमार्च तो बनता है और डिमार्च करना भी चाहिए क्योंकि भारत हम एक हमारा कौमी तराना है और उसकी इज्जत और वकार हम पे लाजिम। कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा अफगानिस्तान के कायम मुकाम काउंसल जनरल का ये फिल काबिल मजम्मत है। हम इस्लामाबाद और काबुल दोनों में अफगान हुकाम तक अपना शदीद एहतजाज पहुंचा रहे हैं। अफगान सिफारतकार रुखी कौमी तराने की बेअदबी। सैनेटर फैसल वावडा अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। ट्विटर पर लिखा कि पीटीआई के वजीर आला की शर्मनाक हरकत सामने आई है जिसमें वो इकतदार के लिए अपने मुल्क को सरेआम बेइज्जत करवा रहे हैं। पीटीआई अपने इकतदार के लिए मुल्क तोड़ने के रास्ते पर है। मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तबीयत पास करना नामुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए उनकी तजावीज को भी साथ मिलाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कंट्रीव्यू कहा आईनी तरमीम का जो मुसविदा मीडिया पर जेर गर्दिश है उसके कुछ पॉइंट्स मेरे इल्म में नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहती थी तो हमने भी कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 90% वक्त आईनी मामला ले लेते हैं। आम आदमी को जल्द इंसाफ मिले ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई का एक और यूटर्न। कल जिसका मजाक बनाते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए ने बताया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। बानी ने मुजवजा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। कहा कि हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती थी जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। मौलाना फजलुर रहमान को अवामी जमहूरी मामला पर एक साथ खड़े होने का पैगाम। साबिक स्पीकर असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुजवजा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ को तरामीम पर एतराज नहीं। उनके रहनुमा कहते हैं कि तरामीम को बस दिसंबर तक रोक लिया जाए। हुकूमत की मुजवजा आईनी तरामीम का मसवदा अब रास नहीं क्योंकि ये हर लीडर के पास पहुंच चुका है। राणा सनाउल्ला ने भी दावा किया है कि तहरीक इंसाफ से मुजवजा आईनी तरामीम पर बात हुई। वो भी समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर रजामंद नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की। किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का नहीं कहा। पहले तरमीम का मुसविदा तो दिखाएं ताकि तफसीलात सामने आ सकें।
एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शरायत ला के इसमें कामयाब होंगे, हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आइनी तरामीम की खुलकर मुखालफत कर दी। कहा आइनी तरामीम जमहूरियत पर हमला है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इन्होंने सोचा कैसे कि ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। रूस के नायब वजीर आजम का दौरा है पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रशियन फेडरेशन के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरशक आज से पाकिस्तान का दो रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और नायब वजीर खारजा से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बे खैर सगाली और एतमाद पर मबनी हैं। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा करेंगे। बानी पीटर बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजमान के वकील जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल और दीगर पेश होंगे। नैब टीम के तफ्तीशी ऑफिसर पर आज जिरह की जाएगी। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा वो रोशन चराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कुरान की तफसीर बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो रोशन चराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। आज हमारे मुआशरे में नफरत और तकसीम पैदा हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा मुआशरे में गालम गलोच, नफरत जैसे रवैये लम्हा फिक्रिया है। आज के दिन हमें गुरबत, भूख और मुश्किलात का शिकार लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद है वो दिन आएगा जब फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आज का ये मुबारक दिन, आज हम सब आज के इस मुबारक दिन पर एक हैं और एक रहेंगे। आज का दिन ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए रहमतों का दिन है। आज का दिन ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने का दिन है। ईद मिलादुन्नबी से बड़ा खुशी का दिन मुसलमानों के लिए कोई नहीं। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को पैगाम देते हैं कि हम मुत्तहिद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के वजीर आला सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बोले आज के दिन कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलेंगे, कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आज का दिन मुसलमानों के लिए रहमत का दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। आज का दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने का दिन है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अहलिया और वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी। नवाज शरीफ ने रायविंड में दीगर अजीजों कारब के हमरा कब्रों पर गुलपाशी की, फूलों की चादरें भी रखी। ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से कुरान खानी का अहतमाम किया। मरहुमैन के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज तैयार। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया गया। आईएमएफ 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने तौसी फंड सहूलत के तहत कर्ज की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट के मलकियती पेपर्स और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर कर्जा देने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के इजलास में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी समेत गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर कैद और जुर्माने की सजाओं में भी इजाफा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों के दिमागी अमराज के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम का हुक्म दिया। कराची में मौसम करवट लेने को तैयार। आज से गर्मी बढ़ने की पेशगोई। मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब के बेशतर अज़ला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मरी गलियात और गिरदोनवा में मतला जुज़्वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। कराची के इलाके के माड़ी और स्टील टाउन से दो लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक जैक्सन में बिजली घर से करंट लगी लाश मिली। मुतवफ़ी नशे का आदि मालूम होता है। स्टील मिल गेट नंबर 4 के करीब झाड़ियों से तशद्दुज़दा 5 दिन पुरानी लाश मिली। मकतूल की शनाख्त साहब खान के नाम से हुई। पुलिस ने मेहमान करीम शाह मज़ार के करीब घर में फायरिंग। एक शख्स हलाक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस का कश्मीर को उसका खोया हुआ हक दिलाने का दावा। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मोदी के नाम निहाल सेकुलर भारत में दोबारा से कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ गूंज उठी। तर्जुमान कांग्रेस पवन खैरा का कहना है कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। मकबूजा कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसका हक छीन कर उसे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया है। सहूनी फोर्सेस की गजा पर जारी जारी अलनसीरात कैंप पर बमबारी। 40 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी हो गए। हमास के सरबरा याया सनवार का हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक हौसी को खत। इसराइल के खिलाफ यमनी ग्रुप के हालिया मिजाइल हमले की तारीफ। हिजबुल्ला के इसराइल पर रॉकेट हमले, मुतादिद सहूनी फौजी हलाक, जख्मी हो गए। बाइडेन और कमला के बयानात से मुतासिर होकर मुश्तबा शख्स हमला करने आया। डेमोक्रेट्स की बयानबाजी ही इन पर गोलियां चलवा रही है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम, कहा मैं मुल्क बचाना चाहता हूं, ये बाइडेन और कमला है जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तबाह कर रहे हैं। 58 साल हमलावर को अदालत में पेश कर दिया गया। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को तीसरी पोजीशन के मैच में शिकस्त देकर 8 साल बाद एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कांसी का तमगा हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से हन्नान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए। रोमान ने 1 गोल दागा। भारत ने 1 जीत ली। वुमेन T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम डबल कर दी गई। मेगा इवेंट की मजमुई इनामी रकम 79,58,080 अमरीकी डॉलर्स होंगे। फातिह टीम को 23,40,000 अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे। वुमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज पाकिस्तान पहुंचेगी। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से UAE में शुरू हो रहा। The women's version of the T20 World Cup to the UAE is very exciting. I think we've got a good track record with the venues that we're using for this event. ICC chief executive Jeff Allardyce ki Dubai mein Bol News se khususi guftagu, kehte hain UAE tamam teamon ke liye home ground hai. Khiladi pur josh, shaikhin ki himayat se lutfandoz honge. और गज़ल गायकी के उस्ताद अमानत अली खान की याद, पटियाला घराने के चश्मो चराग ने गज़ल गायकी को मुनफरद अंदाज में पेश किया। मेहदी हसन और गुलाम अली जैसे उस्तादों की मौजूदगी में नाम और मुकाम बनाया। मिली नगमा ए वतन मेरे वतन से उन्हें ऐसी शोहरत मिली कि क्लासिकी मौसीकी ना सुनने वाली नई नस्ल भी उनके नाम और अंदाज से वाकिफ है। 1922 में भारतीय शहर में पैदा होने वाले उस्ताद अमानत अली खान 17 सितंबर 1974 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।